सुबह सुबह नए वाले घर पे उठ के बाहर आते हैं जैसे ही, तो सामने पे धूप चमकती है क्योंकि यहाँ धूप ज़रा जल्दी आ जाती है। और आज पहाड़ों के नज़ारे थोड़ा सा क्लियर हैं क्योंकि धुंध छट गई है कल की हल्की फुल्की बारिश से। बाकी यहाँ पे कुछ दिन पहले गेहूं थे वो भी कट चुके हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 9 बजने वाले हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। मेरा पहला काम है मुझे मनसुना मार्केट जाके अपने एक दो काम निपटाने हैं, क्योंकि जो ATM था मेरा वो काफ़ी पहले मनसुना पोस्ट ऑफिस में पहुंच चुका है लेकिन मेरे पास नहीं पहुंचा, तो पता करते हैं क्या बात है। कुछ दिनों में ना मध्यमेश्वर धाम के कपाट भी खुलने वाले हैं, तो वहाँ भी कोशिश करेंगे जरूर जाने की। यह है मनसुना मार्केट और अभी आजकल सुनसान सा है क्योंकि केदारनाथ धाम की यात्रा खुल गई है, सभी लोग वहीं गए हुए हैं। मनसुना एक छोटा सा मार्केट है, यहाँ पहले रहने खाने की उतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी लेकिन अब धीरे धीरे यात्री लोग आ रहे हैं तो यहाँ भी रुकने और खाने की व्यवस्थाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। यहाँ पे अपने अंकल जी ने रहने की व्यवस्थाएं करी हैं, यहाँ 3 बेड लगे हुए हैं, बड़ा सा हॉल टाइप का है। तो जब भी आप मध्यमेश्वर वाले रूट पर आएँ, अगर आप मनसुना में रुकना चाहते हैं तो यहाँ देखिए इतनी सुविधाएँ हैं। बाकी बगल पर एक दूसरा कमरा भी है, उसमें भी देख लेते हैं कि क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं। और यहाँ मतलब 2 आदमी इस बेड में आराम से सो सकते हैं और अंदर किचन भी है। बाकी यहाँ पे वॉशरूम है, तो वॉशरूम भी आप देख सकते हैं पूरा, मतलब आप जिस टाइप का वॉशरूम यूज करना चाहते हैं। और जब भी आप मध्यमेश्वर वाले रूट पे आए, अगर आपको शांत सा माहौल चाहिए, गांव का माहौल चाहिए, तो आप यहाँ पे जरूर रुकें। यहाँ पे हमारे दादाजी हैं, ये मिलेंगे या तो अंकल जी मिलेंगे, तो नंबर यहाँ स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगर आपको आना है तो आप पहले से बुकिंग करवा सकते हैं जो भी है। और गाँव की अच्छी बात यह है कि यहाँ कमरे या रहने खाने की व्यवस्था जो है वो ज़्यादा महंगी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल से रेट हैं, जो कि आप पे भी भारी ना पड़े और जिन लोगों ने ये खोला है उनकी भी कमाई हो जाए, तो ऐसा कुछ रहता है। तो चलिए आप जल्दी से, मैं अपने ATM की खोज में जाता हूँ क्योंकि मेरा ATM कुछ दिनों से मुझे मिला ही नहीं है। मनसुना में अपना काम तो नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे बुआ जी की दुकान पे आया, यहाँ पे कुछ स्पेशल सी चीज दिखाई दी। बुआ जी खुद अपने हाथों से बना रहे हैं इसको, तो इसको बोलते हैं नौ घरिया, मतलब कि इस पे पिठाई पुठाई लगाने के काम आता है पूजा पाठ में और पूरा लकड़ी से बना रहता है। अगर आप पहाड़ी हैं तो आपको पता होगा इसके बारे में। और इसमें 9 खाने हैं तो इसलिए इसको बोलते हैं नौ घरिया, मतलब इसमें इसमें और इसमें इसमें चारों कोनों पे जो हैं इनमें पिठाई रखेंगे, मतलब टीका लगाने के लिए। बीच वाले में चावल रखेंगे और इनमें ना फूल रखने के ये काम आता है। तो यहाँ पे जो हमारे बुआ जी हैं इसको अपने हाथों से बना रहे हैं। तो इस चीज़ को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और ये चीज़ बिकती है 1000 रुपये की। अगर आपको ये नौ घरिया खरीदना है तो बुआ जी से संपर्क कर सकते हैं, इनका मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा, तो आप इसको खरीद सकते हैं अपने पूजा पाठ के काम के लिए। गांव में ना बुजुर्गों के पास बैठने से बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगता है। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मेरी वीडियोज़ के माध्यम से यूट्यूब पर सेव रहें, आने वाली पीढ़ियों को तो पता लगे उन चीज़ों के बारे में, नहीं तो अब वो सब चीज़ें कोई नहीं बनाता है क्योंकि उसमें एक तो मेहनत ज़्यादा लगती है, हर कोई चाहता कि कम टाइम में ज़्यादा पैसे कमाना, तो फिर उन चीज़ों को बनाता भी कोई नहीं है। पिछली वीडियो में जब मैंने कलम भाई को वो 25,000 रुपये दिए थे तो कुछ कन्फ्यूजन रह गया था उस वीडियो में, कमेंट्स आए, फिर मेरे को पता लगा कि ये बात क्लियर कर देनी चाहिए। कई लोगों ने बोला कि आपने उनको घर पर बुलाया काम करने के लिए और उनको 25,000 रुपये दे के भेज दिया और उनको उस काम के पैसे नहीं दिए जो आपने वो गिट्टी भरवाई। जी नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने उस काम के उनको अलग से पैसे दिए और उनके जो 25,000 रुपये आए हुए थे वो अलग से दिए, क्योंकि हमने उनसे हज़ारों का काम करवाया है, 100-200 रुपये छोड़ के हम कौन सा उतना सेट हो जाएंगे, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। क्योंकि कई बार होता है ना कि हम कुछ चीज़ें कैमरे पे नहीं दिखाते हैं, तो वो चीज़ें नहीं दिखाई तो कई लोगों ने उसको उल्टा समझ लिया। घर पर पहुँचने के बाद यहाँ पर देखा कि माँ लगी है गेहूँ को छानने पर, आजकल हर जगह यही काम होता रहता है। बाकी अब लंच करते हैं, उसके बाद देखते हैं शाम को कुछ तैयारियां भी करनी है, कल हम एक ट्रिप पे भी जा सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। शाम के करीब 6 बजने वाले हैं और मैं आया हूँ जरा धारा और गौशाला की साइड,
यहाँ का माहौल बहुत दिनों के बाद देखने को मिल रहा है, तो बढ़िया बढ़िया सा लग रहा है। बाकी जो गेहूं के पीछे की न्यार है वो यहाँ पे संभाल के रखी है, क्योंकि यहाँ पे ना चट्टान का वडार टाइप का है जिससे कि उसमें पानी ना पड़े, इसलिए हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ गौशाला के पास में आके ना मन बिल्कुल शांत सा हो जाता है, क्योंकि शांत सा ही माहौल है चारों ओर। और वो कहते हैं ना कि जैसा आपका माहौल है वैसा आपका मन हो जाता है। बाकी यहाँ पे ना मैं देख पा रहा हूँ कि जो नाशपाती हैं वो कुछ दिनों में पक के तैयार हो जाएंगी। और आजकल गौशाला के पास में ना ककड़ियों की छोटी छोटी जो बेल है ना वो आने लगी हैं, छोटी छोटी पौधे आने लगी हैं, और कुछ टाइम में ना यहाँ पे काफ़ी सारी ककड़ियों की बेल रहेंगी। गौशाला का सारा काम निपटा दिया है, अब निकल पड़ते हैं घर की ओर। हम गौशाला आते हैं सिर्फ गाय बैल को अंदर बांधने के लिए, बाकी दूध धोने के लिए, उसके बाद सीधे आप जाएंगे घर। ये पुराना वाला घर यहाँ पे है, नया वाला घर यहाँ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और इन खेतों में जो ये हल लगाया हुआ है ना, इनमें बोया हुआ है कोदा, झंगोरा, भट्ट, ये सब चीज़ें। हमारे तो धारे के पानी की बात ही कुछ अलग है, यहाँ से हम 2 बोतलों पे पानी ले आते हैं गिरिया पीने के लिए। वहाँ के पानी पे अभी भी स्मेल आ रही है पाइप की, हो सकता है मैं कुछ टाइम में ना वो पाइप चेंज करवा दूँ, क्योंकि वो प्लास्टिक की अजीब सी स्मेल आ रही है, वो पिया नहीं जाता है वो पानी। परसों हमारे घर पे जो भैया जी मिलने के लिए आए थे, तो उनके घर से आंटी जी ने हमारे लिए अचार भिजवाया था। इन 5 छोटे छोटे डब्बों पर अचार रखा हुआ, एक पे है अदरक का, मशरूम का, आम का, मिर्च का और लहसुन का। तो हमने तो लहसुन का खोल दिया है, इसका आनंद ले रहे हैं। बाकी थैंक यू सो मच आंटी जी आपके लिए, और बहुत स्वादिष्ट हो रहा है, घर का बनाया हुआ है तो इसकी तो स्वाद में बात ही कुछ अलग है। तो अब हमारी तैयारी है नए वाले घर पे जाने की। बस यहाँ पे ना सुनसान सा हो जाता है, ये डेली का ऐसा ही सीन है। दिन में हम यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं, गाय बैल को चारा पत्ती देना, इधर उधर का खेती बाड़ी का काम, और शाम को निकल जाते हैं नए घर पे। जब गृह प्रवेश होता है उसके बाद नए घर को कुछ टाइम तक नहीं छोड़ते हैं, मतलब वहाँ रहना ही पड़ता है चाहे कोई एक आदमी रहे। तो अब ऐसा कुछ सीन है, कुछ टाइम के बाद तो मानसून स्टार्ट हो जाएगा, तब तो लगभग 4-5 महीने वहीं रहना पड़ेगा। आज है 13 मई और अभी मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स हैं 1,99,613 सब्सक्राइबर्स। तो पिछले साल 12 जून 2021 को हुए थे 1,00,000, और इस एक साल से कम के टाइम में हमने 1,00,000 और लोगों को अपने साथ जोड़ दिया है। तो थैंक यू सो मच आप सभी के लिए, जल्दी से 2,00,000 हो जाएंगे और उसके बाद मैं एक नई ट्रिप पर निकल पड़ूंगा। अब आने वाले टाइम में आपको ट्रैवल व्लॉग ज़्यादा देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पे। बस मॉनसून में देखना पड़ेगा कि ऐसी जगहों पर ट्रैवल करेंगे जहाँ ज़्यादा खतरा ना हो, नहीं तो पहाड़ों में बहुत दिक्कत होती है। तो पापा जी को पूछते हैं कि कैसा लग रहा है 2,00,000 पूरे होने वाले हैं। अरे अच्छा ही तो लग रहा है यार, 1 साल से कम में 1,00,000 और लोग जुड़ गए। अरे बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का। बिल्कुल, अब माँ को भी पूछते हैं कि कैसा लग रहा है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, 2,00,000 लोग जुड़ गए। 2,00,000 लोग जुड़ गए। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जो लोग बच्चों को इतने प्यार सपोर्ट देते हैं। हाँ, प्यार सपोर्ट बनाए रखे अपने। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे। अब यहाँ पे 2 वाहन है, एक स्कूटी है, बाइक है। अब मेरी बाइक में पत्थर किसने रखा है ऐसे? आप ये लो, रही है, बोल पल। बोल दियो दियो मारी जी है। ये पता नहीं ऐसे बाइक पे कौन छेड़ता है पत्थर से ऐसे।